खबर बदायूं से है। इस वक्त आपको बता दें, खबर बदायूं से इस वक्त की ₹108 और ₹102 एम्बुलेंस कर्मियों का धरना, मजबूर तीमारदार घोड़ा गाड़ी से अस्पताल पहुंचे हैं। घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं परिजन। कर्मचारियों के धरने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। बदायूं से खबर, 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों का धरना, मजबूर तीमारदार घोड़ा गाड़ी से अस्पताल पहुंचे हैं। घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बदायूं से। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बदायूं की तस्वीरें हैं। स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है बदायूं में, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल है, वो धरने पर हैं, लिहाजा तीमारदार कोई घोड़ा गाड़ी से अस्पताल मरीजों को लेकर पहुंच रहा है, कोई ठेले से लेकर पहुंच रहा है। ये तस्वीर बदायूं की नहीं, और भी कई जगहों की है, लेकिन हम बदायूं की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 108 और 102 के कर्मचारी, एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बड़े पैमाने पर ये हड़ताल चल रही है अपनी मांगों को लेकर, और इन सब के बीच आप देखिए जो मरीज़ हैं वो कितने परेशान हैं कि उन्हें घोड़ा गाड़ी से अस्पताल पहुँचना पड़ रहा है। तीमारदार इतने परेशान हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है विकल्प के तौर पर। हड़ताल एक तरफ चालू है, शुरू है, दूसरी तरफ एक आम आदमी, एक आम इंसान, एक आम तीमारदार मरीज़ वो परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप देखिए एम्बुलेंस की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। कर्मचारियों का धरना जारी है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर बहुत भयावह है, क्योंकि वो लोग जो दूर दराज रहते हैं उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है।